तो वो तो नहीं हो पाएगा, वो उस तरह से नहीं होता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तरमीमों के साथ हम उस रक्षा को ले सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया में पूरी जो बहस कर रही है उस बहस में ये बात उभर कर आ रही है कि जो न्यूलिबरल इकोनॉमिक्स थी वो बुरी तरह से फेल हुई, और न्यूलिबरल इकोनॉमिक्स बिट रही है तो उसकी जगह कौन ले रहा है? ट्रंप साहब। कायदे से न्यूलिबरल इकोनॉमिक्स बिटती है तो उसकी जगह लेकर संसद में यही हुआ था। तो आज न्यूलिबरल इकोनॉमिक्स बिट रही है, उसकी जगह पैसे दे रही है, हिंदुस्तान में पैसे दे रही है। पूरे हमारे देश में आज तक हमने भी बहुत इनकम टैक्स दिया इस सरकार को, सारा पैसा लेके जो कुछ कारखाने जो कुछ भी जो कुछ उद्योग बने थे पब्लिक सेक्टर सबको माने दो साल के अंदर दो तीन साल के अंदर इंस्ट्रक्शन है कि बेच दीजिए इस इंडस्ट्री को, बंद कीजिए, चाहे ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन हो, चाहे हमारी पूरी ऑयल कंपनी हो जो फायदा कमाने वाली, भले ये तो कंसेप्ट था कि जो फायदा नहीं कर रही उनको हम डिसइन्वेस्ट करें और उसको अब यह जो सबसे ज्यादा फायदा करती है उस कंपनी को भी डिफेंस डिफेंस हर जगह। तो एक जो अर्थतंत्र में जो बात थी कि हमारा जो बुनियादी ढांचा था जिसको हमने किया था कृषि में भी उद्योग में भी बाकी उसको कुछ बुनियादी कमी हो शायद उसके लिए लंबी बातचीत करनी पड़ेगी, बैठ के हम लोग कर सकते हैं। एक हमने हमारे यहाँ बनारस में है अच्छे खासे फिगर हैं आरिफ मोहम्मद, आरिफ को कहा मैंने कि आइडिया ऑफ इंडिया पर बहुत दिन से बात हो रही थी, बात की जाए उनका कि ठीक है उसको।